अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आपको एक नए ब्लॉग में नई सुबह के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं नासिर साहब, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत ही अच्छी नॉलेज है उनके पास, इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर हैं। आज मैं आपको उनसे मिल पाता हूँ, तो चलते हैं नासिर भाई के पास। अच्छा, मैंने अभी नासिर साहब को फ़ोन किया था, पता चला वो मेहरान होटल में बैठे हुए चाय पी रहे हैं, अभी मिलवाता हूँ। फिर तो बैठे हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? ठीक हैं भैया, चाय बड़ी अच्छी बनाते हैं मोहिबुल्ला भाई। ये सामने बैठे हुए हैं नासिर भाई, और फुल कप ऑफ टी जो है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसी ने रिटायरमेंट का वो मैंने उनको इनको भेजा है। अच्छा, उसके सर्विस के लिए बड़ा अच्छा मैंने लिखा है भाई। ये नासिर भाई हैं हमारे, बहुत अच्छी आजकल वीडियो बना रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज पर, और अभी वीडियो उन्होंने डालनी शुरू कर दी है यूट्यूब पे, आपको मैं बता दूंगा लिंक, तो उनको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। भाई नासिर भाई से मैंने कहा ज़रा हमें भी चाय पिलाते हैं, तो उन्होंने चाय की ऑफ़र कर दी है। ये देखें आप, चाय पी रहा हूँ मैं नासिर भाई। A few moments later. ज़बरदस्त मौसम हो गया कराची का इस पर दोबारा, और लगता है बारिश होगी। ये देखें आप, ऐसा मौसम हो गया दोबारा। अच्छा जी, ऑफिस से आने के बाद जो है ना, अभी मैं निकला हूँ कुछ, आपको तो पता है बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, और बच्चे जो है लंच में लेके जाते हैं कुछ स्नैक्स वगैरह, तो वो मुझे लेना बहुत ज़रूरी थे, तो अभी मैं वो लेने के लिए आया हूँ हैदरी। हैदरी में यहाँ भोरी की एक शॉप है, वहाँ पर जो है ना फ्रोज़न आइटम बहुत अच्छे मिलते हैं। वैसे तो कई शॉप्स हैं, तो वो मैं अभी लेता हूँ और फिर आपको दिखाता भी हूँ। अच्छा जी, मैं आ गया हूँ यहाँ पर ये टेस्टी निम्को पे, और यहाँ से मैं लेता हूँ शामी कबाब। अस्सलाम वालेकुम भाई। शामी कबाब आ गए नहीं आए? शामी कबाब ज़रा निकाल दें यार, वो सिल वाले आते हैं ना आपके, दो वो दे दें 20 में, एक पैकेट दे दें। क्या हाल है? बस ठीक है, खैरियत से अल्लाह। मैं वही सोचा था कि बकरीद के बाद पता नहीं आपने शुरू किया नहीं किया, काफ़ी लोगों ने जो है ना शुरू नहीं किया। ठीक है जी, ये कितने का है? क्या 350 का? चलो जी, ये एक पैकेट दे दें। अच्छा, और भी आइटम्स मिलते हैं यहाँ पे ना। अच्छा, ये ले लिया है मैंने। ये फ्रोज़न आइटम जो है ना, मैं भी ऑफिस लेकर जाता हूँ और कभी कभी लेकर जाता हूँ, बहुत अच्छे होते हैं इनके ना। क्या है, बीफ है? बीफ समोसे हो गए जी। चिकन चीज़ रोल है। चिकन चीज़ रोल। आलू वाले वन बाइट समोसे। ये 150 का है। ये कितने का है? 300 है। और ये 200 के 12। क्रिंकल चिप्स। बस। अच्छा, ये वाली शॉप अलग है, ये पुरानी है। वो जो मैंने आपको दिखाई थी वो टेस्टी निम्को है, जहाँ से मैंने शामी कबाब लिए। इनके बाकी ये चीज़ें अच्छी होती हैं। तो नाज़रीन, फ्रोज़न आइटम हमने ले लिए हैं, और आपको तो पता है कि कराची का मौसम जो है कई दिनों से बहुत अच्छा चल रहा है, तो अभी मौसम अच्छा भी है और थोड़ी सी हल्की हल्की भूख भी लग रही है, खाने में अभी टाइम है। तो हम सोच रहे हैं कि हैदरी मार्केट में जो चाट वाला होता है ना, उसके पास बहुत ही अच्छी एक मिलती है पानी पूरी। अच्छा, पानी पूरी भी होती है, मीठी पूरी भी होती है उसके पास, तो हम चाह रहे हैं कि वो खा लें। ख्वातीन जो हैं उनको पता ही होगा, जो वहाँ जाती हैं हैदरी के, वहाँ पर कितनी अच्छी उनका सेटअप है और चाट कितनी अच्छी होती है। तो चलते हैं फिर हैदरी मार्केट। ख्वातीन आती हैं ना शॉपिंग के लिए, तो उनको बखूबी पता होगा कि यहाँ की चाट कितनी ज़बरदस्त होती है और मीठी पूरी कितनी अच्छी होती है। चलते हैं। सूरत हाल ये है कि मीठी पूरी जो है ना, वो पार्सल दे रहे थे, या तो वो कहते हैं कि आप वहीं बैठकर खाएं, या फिर आप पार्सल ले जाएं घर पे बना के खाएं, लेकिन हमें गाड़ी में खाना था, तो मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप गाड़ी में किसी तरह से भिजवा दें।
तो उनका एक बच्चा है छोटा, वो लेकर आ रहा है अभी, तो अभी दिखाते हैं आपको। ये जनाब मीठी पूरी हमारी आ गई है, और उसकी बड़ी मेहरबानी यहाँ तक देकर चला गया। तो इसमें आप देखें, ये बाकायदा पूरी बनी हुई है, इसमें सॉस इसके डले में, दही वगैरह डली हुई है, और ये पानी है। तो जनाब ये मैं लेने लगा हूँ बाइट। बाइट क्या, एक एक मीठी पूरी लूँगा मैं। पका जो पानी है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, इसमें सोल्ट वगैरह डली हुई होती है तो बहुत अच्छा है, ऐसा भी इतना ज़्यादा खट्टा भी नहीं है कि गला पकड़ ले। The next day. तो जनाब उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग आज का पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और दोस्तों को भेजिएगा ज़रूर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।